ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। भेल्टस की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ। इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। पिस्तल ले रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं पीछे हट जाओ अन्य हम गोली चला देंगे हम आदेश। मैंने कहा तुझे आदेश हो तो गोली चला, तेरी वर्दी तरवा दूंगी, तेरे तुझे बर्खास्त करा दूंगी, पर हम वोट डालेंगे। उनको नहीं वोट नहीं डरने की, चली जाओ पीछे को। नहीं वोट नहीं डली हमारी, हमारे तो 250-300 वोट हुई इस कॉलोनी की, किसी की डली नहीं, सिर्फ दो की जाना तीन की डली बस, वे भी शाम के टाइम डाल पाई, वोट ना डली हमारी। चीन के टैंकमैन की तस्वीर याद है, टैंक की लाइन के आगे झोला लिए खड़ा वो शख्स जो विरोध की सबसे बोलती तस्वीर है। ठीक ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। पिस्टल ताने थानेदार और उसके सामने खड़ी महिला साफ साफ कह रही है गोली तो चला नहीं सकते। इस तस्वीर में किसी को दंगा कंट्रोल दिख रहा है तो किसी को टैंक मैन, किसी को कानून व्यवस्था तो किसी को लोकतंत्र पर तनी बंदूक। लेकिन इन सबके बीच खड़ी है वो महिला जिसका नाम है तोहिबा। तोहिबा कल जैसी थी आज भी वैसी है, अडिग है और खड़ी है कानून व्यवस्था के धम्म के साथ कि गोली चली तो वर्दी उतर जाएगी। ऐसा हुआ था, हमारा जेठ का लड़का वोट डालने गए थे, वहाँ टंडा जारी करा, उनकी टांगों में टंडे बजाए, वे फिर आ गए। उन्होंने कहा ऐसा हम दो चार आदमियों को इकट्ठे करेंगे, तो उन्होंने सड़क पर दो चार आदमी इकट्ठे कर लिए, तो जब वे इकट्ठे कर लिए तो फिर एक पुलिस की गाड़ी आ गई, तो पुलिस की गाड़ी उतर को पुलिस वालों ने अटंडा जारी कर दिया, जो 10-5 आदमी वहाँ खड़े थे, तो जैसा टंडा जारी कर दिया तो पब्लिक जो थी इधर उधर सब चली गई, तो कुछ इधर आ गई कुछ उधर चली गई, तो फिर उसके बाद में सामने कुछ आए तो हम रहे थे जा, मेरे पीछे पीछे थे ये 4-5 वोट डालने जा रहे थे, तो वोट डालने नु कह दिया पीछे हट जाओ। मैं कहा क्यों मना कर रहे हैं हम वोट डालने से, किसने कही ये बात? पता नहीं ऐसो था या दरोगा था, नहीं मैं जानती कौन था वो जो हाथ में पिस्टल लिए जो रहते। पिस्टल ले रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं पीछे हट जाओ अन्य हम गोली चला देंगे हम आदेश। मैंने कहा तुझे आदेश हो तो गोली चला, तेरी वर्दी तरवा दूंगी, तेरे तुझे बर्खास्त करा दूंगी, पर हम वोट डालेंगे। नुको नहीं वोट नहीं डरने की, चली जाओ पीछे को। नुको हटनी नहीं, मैं नहीं हट रही। मीरापुर के ककरौला इलाके में पत्थरबाजी और बवाल के बीच लगातार ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस उपचुनाव में कर क्या रही थी। तोहिबा कह रही है वो तो वोट देने से रोकने आए थे लेकिन हम टिके रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा गांव बिना वोट डाले रह गया। नहीं वोट नहीं डली हमारी, हमारे तो 250-300 वोट हुई इस कॉलोनी की, किसी की डली नहीं, सिर्फ दो की जाना तीन की डली बस, वे भी शाम के टाइम डाल पाई, वोट ना डली हमारी, हम दुख इस बात का हमारी वोट नहीं रह गई। अखिलेश यादव जी से क्या आपकी बात हुई है इस बारे में? फोन आया कोई लखनऊ? ना भी ना आया मेरे पर फोन आ गए बहुत आ रहे फोन, तो बड़े बड़े जो हमारे वे कर रहे उनसे बात, लेकिन हमारी बात अभी नहीं हुई उनसे। क्या आपको पता है कि आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा? जी जी मुकदमा डाल दिया उन्होंने, ये मुकदमा डालना ना चाहिए, हमारे बड़े थे ना बच्चे थे, हमारा इस कॉलोनी में से कोई बच्चा नहीं था, सब अपने काम पर गए हुए थे, सिर्फ एक लड़का था हमारा। तोहिबा की वायरल तस्वीर को लेकर अपने अपने दावे हैं। पुलिस का कहना है हम दंगा कंट्रोल करने गए थे। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली है उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो वहां पर लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। फिलहाल तोहिबा अपनी बात पर टिकी हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो केस ठोका गया है इसे हटा दिया जाएगा।
मीरापुर से संदीप सैनी की रिपोर्ट यूपी तक।